रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई थिंक आई एम रेडी नाउ। अभी जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो जो मेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी उसका चर्चा करेंगे। तुम्हारे सामने ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का फीचर्स आया, बराबर है। नाउ लेट अस सी मीनिंग तो स्टैंडर्ड है। दूसरा मेंबर्स, देखो तुम क्या बोल सकते हो, एडवांटेज ऑफ अनलिमिटेड को पार्सनर्स या मेंबर्स बोल सकते हैं, मेंबर्स को पार्सनर्स बोलते हैं। तो डू यू एग्री कि वो एडवांटेज बन जाता है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा लेजिस्लेशन, अगेन तुम बोल सकते हो कि देर इज नो लेजिस्लेशन, नहीं लेजिस्लेशन तो है तो वो फीचर हुआ, उसका एडवांटेज या लिमिटेशन नहीं डालने का। नाउ कैपिटल टेल मी, हाई है क्या लो है इसका? लिमिटेड कैपिटल, जिसके वजह से साइज ऑफ बिजनेस क्या होता है, लिमिटेड। कल सोल ट्रेडर में भी देखो सिमिलर पॉइंट था, लिमिटेड कैपिटल लिमिटेड साइज, तुम इधर भी सेम बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट नंबर पांच, लीगल स्टेटस। टेल मी एचयूएफ को सेपरेट लीगल स्टेटस है क्या नहीं है? एचयूएफ को सेपरेट लीगल स्टेटस है क्या नहीं है? टेल मी, कैसे है? सिर्फ कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इधर लीगल स्टेटस नहीं है। मतलब कि मालिक और धंधा एक ही है कानून के नजरों में, अलग नहीं है। सेपरेट लीगल स्टेटस जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कंपनी और कोऑपरेटिव को, वहीं पे रहता है, ठीक है ना। सो डिसएडवांटेज लीगल स्टेटस नहीं है इनको। फिर नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है? बाय ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। अगेन फॉर्मेशन इजी और डिफिकल्ट के बजाय इसको छोड़ दो, क्योंकि हिंदू लॉ बोलता है चार जनरेशन से प्रॉपर्टी पास होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, तुम एडवांटेज में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पॉइंट वैलिड माना जाएगा। फिर नेक्स्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन करता है? करता, ही इज असिस्टेड बाय अदर को पार्टनर्स। तुम क्या बोल सकते हो? वेरिड मैनेजरल एबिलिटी, क्यों? कर्ता को अलग अलग लोग मिलते हैं ना मैनेजमेंट के लिए, मदद के लिए, तो पॉइंट वैलिड है कि भाई कर्ता को, जैसे एक फैमिली में कोई अकाउंट्स में स्किल्ड होगा, कोई प्रोडक्शन में, कोई मार्केटिंग में, कोई फिनेंस में, तो अलग अलग फैमिली के लोग अलग अलग स्किल लेकर आएंगे, तो धंधा अच्छा चलेगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस। नाउ एक फायदा ऐसा है, एडवांटेज ऐसा है कि जो भी बच्चा जन्मता है उसको प्रॉफिट का हक मिलना ही है, एश्योर्ड शेयर। चार जने पांचवा भी जन्मा तो हर एक को तो प्रॉफिट का शेयर मिलना ही है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज ऐसा है कि एक बच्चा जन्मा तो चार जन थे, 25% तुम्हारा शेयर था, एक का बच्चा जन्मा तो 25 का तुम्हारा शेयर 20 हो जाएगा, क्योंकि नाउ 100 डिवाइडेड बाय 425 नहीं रहेगा, 100 डिवाइडेड बाय 5 रहेगा। सो रिडक्शन ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन बर्थ, बर्थ जन्म हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कमी आएगा। प्लीज नोट, तुमको ये यूनिवर्सिटी के बुक में नहीं मिलना है, मेरा खुद का डिजाइन है, तो तुमको एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन मिलेगा बुक में। नाउ डिसीजन मेकिंग, टेल मी फास्ट है क्या स्लो है? फास्ट है, तो एडवांटेज हो गया। क्विक डिसीजन मेकिंग, तुम सिंस द कर्ता नीड नॉट कंसल्ट एनीवन, ही कैन टेक क्विक डिसीजन इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, जल्दबाजी में हेस्टी और इम्बैलेंस डिसीजन ले सकता है, वो डिसएडवांटेज बन जाता है, करेक्ट। यस सर। फिर नेक्स्ट लो, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या बोलोगे, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं? है, क्योंकि क्विक डिसीजन मेकिंग लिया तो फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है, तो तुम डाल सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी ना ऑपरेशन, या सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एडवांटेज बन जाता है वो। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेशन। टेल मी स्ट्रिक्ट है क्या स्ट्रिक्ट नहीं है? स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है तो वो एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि तुमको परेशान नहीं करेगा गवर्नमेंट, है ना। सो मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन तुम्हारे लिए एडवांटेज है। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है? लायबिलिटी। नाउ लायबिलिटी कर्ता के लिए क्या है? अनलिमिटेड है, तो उसके लिए नुकसान नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ एडवांटेज को पार्सनर्स के लिए, कि उनका लायबिलिटी सिर्फ कैपिटल जाएगा, लेकिन कर्ता का अनलिमिटेड लायबिलिटी वो उसके लिए नुकसानदेह है। सो जिनका लायबिलिटी लिमिटेड है को पार्सनर्स, वो लोग बोलेंगे भाई हमारा घर पर्सनल संपत्ति नहीं जाएगा, कर्ता बोलेगा भाई मेरा कैपिटल भी गया पर्सनल संपत्ति भी जा सकता है। नेक्स्ट ऑडिट, तुम ऑडिट को एडवांटेज में डाल सकते हो, ऑडिट इज नॉट कंपलसरी, लीगली वैलिड है वो पॉइंट। टैक्सेस लो है क्या हाई है एचयूएफ के? लो है सर।
लो 2.5 लाख तक माफ है तो वो तुम्हारा एडवांटेज बन जाएगा लो टैक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? कंफ्लिक्ट, झगड़ा होगा, यस और नो? यस सर। जब फैमिली तो झगड़ा हो सकता है, डिसएडवांटेज बन जाता है वो। सिर्फ नंबरिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 7, 8, 9 आ गया ना, उसको मैं चेंज कर दूंगा। एक मिनट, इसका नंबरिंग जो है 1, 2, 3, 4, आई थिंक नंबरिंग मुझे इसको हल्का सा चेंज करना पड़ेगा। मैं इसका नंबरिंग चेंज कर देता हूँ, ये नंबरिंग हो गया 5, ये हो जाएगा 6, ठीक है ना, ये 6 हुआ नंबरिंग। और ये कौन सा था, कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट था ना, ये पॉइंट 7, ये 7 हुआ। नाउ ये जो 8वां पॉइंट है ये ऑटोमेटिक मैंने क्यों डाला है वो मैं तुमको बताता हूँ। नाउ ये जो तुम्हारा पॉइंट था कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट पे से तुम्हारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा, कौन सा तुमको मैं बताता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। नाउ तुम्हारा पॉइंट कौन सा है, लायबिलिटी भी हो गया, ऑडिट ये भी हो गया, कॉन्फ्लिक्ट। नाउ कॉन्फ्लिक्ट में मैंने एक ऑटोमेटिक पॉइंट डाला है पार्टीशन। अभी क्या होता है, तीन भाई है, ठीक है ना, तीनों में झगड़े हो गए तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो झगड़ा में बंटवारा हो जाता है। अब बंटवारा पार्टीशन बोलते हैं, बंटवारा दो प्रकार से होगा, टोटल पार्टीशन मतलब तीनों अलग हो गए, या पार्शियल पार्टीशन, दो भाई साथ में एक अलग हो गया, ठीक है ना। तो वो भी डिसएडवांटेज है कि फैमिली का संपत्ति चला जाता है, बिजनेस देना पड़ता है, हिस्सा देना पड़ता है, ठीक है ना, और पार्टीशन में अकाउंट्स भी दिखाना पड़ता है। एचईएफ बाकी टाइम में अकाउंट्स नहीं दिखाए तो भी कायदे से चलता है, लेकिन पार्टीशन के टाइम में एचईएफ कर्ता को अकाउंट दिखाना पड़ेगा, बाकी टाइम कोई भी उससे अकाउंट्स नहीं मांग सकता कर्ता से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, बिजनेस सीक्रेसी, बिजनेस सीक्रेसी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सीक्रेसी। Now tell me, secrecy advantage है क्या disadvantage है? Advantage है ना, business secrecy advantage है। Next, objective क्या है, profit, ये तो feature हुआ, ये तो advantage limitation में डाल नहीं सकते। Operating cost low है, ये तुम्हारा हो गया advantage। अब तुम देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे मैंने तुम्हारे 10 पॉइंट कवर अप करवा दिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट लो बोल सकते हो, डिविजन ऑफ वर्क पॉसिबल है, बहुत बढ़िया पॉइंट है वो, क्योंकि सोल ट्रेडर में नहीं था, इसमें है तो एडवांटेज हुआ। उसके बाद पब्लिक कॉन्फिडेंस लो है तो डिसएडवांटेज हुआ, कि भाई पब्लिक का कॉन्फिडेंस कंपनी के प्रति ज्यादा रहता है। अभी अमेजन फ्लिपकार्ट में सेल चालू है ना, आज और कल दो दिन, पता है ना तुमको, अमेजन फ्लिपकार्ट में स्पेशल डेज है, दो दिन सेल चल रहा है, तो उसमें अच्छे रेट में मिलेगा, लोग दुकान से लेने के बजाय अमेजन से लेना प्रेफर करेंगे, अभी सस्ता मिलेगा। 22 नंबर, कंफ्लिक्ट नहीं, कंटिन्यूटी, यस कंटिन्यूटी रहेगा। 23, फिर उसके बाद स्टेबिलिटी भी तो रहेगा, वो पॉइंट है ना, ये भी तो तुम्हारा पॉइंट बैठेगा। सो पॉइंट नंबर जो 23 है स्टेबिलिटी, वो भी तो पॉइंट वैलिड है इधर, करेक्ट। सो तुम क्या बोलोगे, स्टेबिलिटी धंधे में है, करेक्ट। सो ये तुम्हारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनेगा इधर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कौन से पॉइंट हुए, लायबिलिटी ले लिया हमने, पब्लिक कॉन्फिडेंस, कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी। फिर नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट मोटिवेशन, डिसएडवांटेज नहीं रहेगा डायरेक्ट मोटिवेशन, लैक ऑफ डायरेक्ट मोटिवेशन। फिर नेक्स्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलना है इनको। नेक्स्ट क्या है, रिस्क लो है, पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी भी बन सकता है एडवांटेज का पॉइंट, वोटिंग राइट्स एक्चुअली नहीं है बाकी को पार्टनर्स को, तो वो डिसएडवांटेज बनता है, ठीक है ना। मैं तुम्हारे लिए एक 13वां पॉइंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, नो वोटिंग राइट्स फॉर को पार्टनर्स, बराबर है, तुम समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, नो वोटिंग राइट्स टू को पार्टनर्स, को पार्टनर्स, ये पॉइंट तुम्हारा वैलिड है, क्योंकि वोटिंग राइट तो है नहीं को पार्टनर को, अल्टीमेटली जो ताकत है वोटिंग का वो तो सिर्फ इसके पास ही है, किसके पास है वोट करने का ताकत, डिसीजन लेने का ताकत, सिर्फ कर्ता के पास है, तो बाकी लोग के पास तो वोटिंग का ताकत नहीं है, तो डिसएडवांटेज बन जाता है, क्योंकि फिर उनका बोलते हैं ना, वो लोग बोलेंगे भाई हमारे पास तो कुछ ताकत ही नहीं है। तो ये तुम्हारा पॉइंट था वोटिंग राइट्स, और नो इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले लूं तो ये भी पॉइंट बन जाएगा, वोटिंग राइट्स के बाद का वाला पॉइंट है।
और फिर तुम एग्जांपल भी डाल सकते हो तो तुम्हारा ये पॉइंट बढ़ जाएगा। कैसे लगा है हमारा आइडिया तुमको? कितने पॉइंट्स गिनाए हमने टोटल? 15 तो एडवांटेज के लिए, तुमको एग्जाम में 10-10 ही लिखने हैं। 20-10 मार्क का आया तुमको एक्स्ट्रा, वोटिंग राइट्स में तुमको 12 मैंने दिस, और ये तो एग्जांपल है, वो तो फीचर हुआ। कैसा लगा ये आइडिया आज का? कल जैसा ही है ना? और इसमें भी माइनर्स कैनॉट बी एडज्ड इंसॉल्वेंट, ये भी पॉइंट मैंने लिखा है, जरूरत नहीं है फिर भी तुम समझ लो कि यदि एचईएफ डूब जाता है तो इंसॉल्वेंट समझता है ना, व्हेन द लायबिलिटीज इज मोर एसेट इज लेस। लेकिन जो भी माइनर 18 साल से कम के बच्चे उनको तुम इंसॉल्वेंट या डूबा हुआ घोषित नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे हैं 18 साल के ऊपर। हाँ तुम बोल सकते हो भाई इसका लायबिलिटी ज्यादा है, संपत्ति कम है। तो ये तुम्हारा एडवांटेजेस और लिमिटेशंस था। अभी तुम्हारा कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछो।